सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई मोटिफिकेशन वीडियो लेकर आ गए हूँ हमारी एंटॉर्क के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है हमारी एंटॉर्क के ऊपर R15 V3 के जो विंगलेट होती है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडिफिकेशन। तो हम लोग हेडलाइट के नीचे लगाने वाले हैं जो R15 V3 का विंगलेट है, उसको स्क्रू के मदद से हम लोग टाइट कर देंगे। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम लोग ये ऑफलाइन मार्केट से बाय किया हूँ, 140 रुपीज़ पड़ा मेरे को। तो इसको हम लोग इसके नीचे हेडलाइट के नीचे स्क्रू के मदद से टाइट करेंगे, ठीक है। पूरा क्लियर कितना रहता है मार्ट गार्ड से विंगलेट का पूरा दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। पूरा वीडियो देखना अच्छा से। तो गाइस हम लोग दो होल किया, एक छोटा और एक बड़ा। कंपनी फिटिंग आती है जो बड़ा होल ओसी का, और दो एक वॉशर और एक स्क्रू लिया। वुडेन स्क्रू आप लोगों को लेना है। तो ऐसे नीचे हम लोग एक होल कर लिया स्क्रू हीट करके, यहाँ पे हो रहा थोड़ा होल कर लिया। उसके अंदर हम लोग जो वुडेन स्क्रू है वो टाइट करेंगे वॉशर की मदद से। आप लोग अच्छा से देख लीजिए। तो गाइस हमारी एंटॉर्क की जो विंगलेट है लगाना कंप्लीट हो गई। तो मार्टगार्ड और विंगलेट की जो गैप है क्लियर है, 5 से 6 mm 6 mm क्लियर है, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग थोड़ा साइन पेपर की मदद से घस दीजिए नीचे के ऊपर, ठीक है। तो गाइस आशा रखता हूँ हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और ऐसे ही मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस आज का जो प्रोसेस था वो सिंपल सा आप लोग देखा होंगे।